अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में टिड्डी के संभावित हमले के दृष्टिगत कृषि विभाग, एनडीआरएफ, उद्यान, अग्निशमन, पुलिस एवं उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि किसानों के टिड्डी से बचाव के लिए व्यापक रूप से जागरूक किया जाए तथा रात के समय टिड्डियों के ऊपर रासायनिक दवाओं के अग्निशमन विभाग को समय से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य जनपदों के अधिकारियों से संपर्क करके टिड्डी के आगमन के संबंध में जानकारी हासिल करें। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी एवं एआर कोऑपरेटिव सदस्य हैं। इसी प्रकार ब्लॉकों पर भी खंड विकास अधिकारी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक सदस्य हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, और वो रात में यदि उस पर छटाव करने के तो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से किसानों ने, चलिए अभी बात में दे दीजिएगा सर, इसी तरह से किसान जो तो प्यार रखें और यदि टिड्डी दल बाई के लिए आ ही जाता है तो रात में वो जो उनकी मशीन होती है, स्प्रे मशीन होती है, उसमें उसको छिड़काव करके उनको मार डालें। और ये बुलाएँ अन्य जनपदों जैसे इलाहाबाद में टिड्डी दल आ करके जा भी चुका, इलाहाबाद से फोन करके फीडबैक ले सकते हैं कि कितना नुकसान होता है और कैसे उसको रोका गया। ये इमरजेंसी बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि टिड्डी दल अचानक जब आएगा तो तुरंत लखनऊ से फोन आने लगेगा कि साहब क्या कर रहे हैं, अब तक क्या किया, जो नहीं हो पाया, सभी को फील्ड में अवेलेबल तो जाना होगा और डट करके इसका मुकाबला करना होगा। एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दीजिए कि कहाँ कौन क्या स्ट्रक्चर है टिड्डी दल से रोकथाम के लिए और किसके क्या क्या दायित्व है। भाई से बोल रहे अगर आप जो अध्यक्ष होंगे चार लोग हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मेंबर हैं। इनको मेंबर रखने के पीछे यही सोचा गया होगा कि इनका जो फील्ड स्टाफ भी है, अपने निगरानी टीम बना के निगरानी करते रहे किसी कर्मचारी द्वारा, तो सबसे पहले सूचना जिला स्तर पे देंगे, अपना वहाँ जो कार्रवाई लोकल स्तर पे करेंगे ही करेंगे, साथ में जिला स्तर पे सूचना देंगे ताकि हम एक्टिव हो जाएंगे और सारे जिले के हर इलाके की फोर्स फोर्स का मतलब लोग उस इलाके में पहुँच जाएंगे और तमाम जगह पर ये हुआ कि लोग हम होटल भी बजा सकते हैं। सरकार केवल चर्चा होगी, डीजे का प्रयोग करेंगे कि डीजे का तक किसने संपर्क किया, डीजे कैसे बनवाएंगे बनवाएंगे जी को आज टिड्डी दल के संबंध में एक बैठक आहूत की गई है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि आजमगढ़ में टिड्डी दल आया हुआ है। तो हमारे दो तहसीलें हैं, एक खजनी और दूसरा गोला, जो बॉर्डर पे पड़ती हैं। तो वहाँ के उप जिलाधिकारीगण, वहाँ के खंड विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एनडीआरएफ, अग्निशमन और पुलिस को बुला करके एक तैयारी बैठक कर ली गई कि यदि कोई ऐसा आशंका होती है या ऐसा होता है कि टिड्डी दल हमारे यहाँ आ जाता है तो उससे कैसे बचाव किया जाएगा। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और इस वीडियो के माध्यम से समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि हम लोग तैयार हैं, वे भी तैयार रहें और आते ही जो उनको पहले बताया गया है कि शोर मचा करके हमें टिड्डी दल को भगा देना है।